तो दोस्तों फाइनली फौजी ने अपना डेथमैच मोड यानी कि मल्टीप्लेयर मोड को ला दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी की इन्फॉर्मेशन को देने वाला हूँ कि कैसा है ये मोड और जो नए नए फीचर्स आए हैं वो क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फौजी के इस डेथमैच मोड की। तो यहाँ पर ये जो डेथमैच मोड है जो फौजी ने नया लाया है वो एक मल्टीप्लेयर मोड है, यानी कि अब फौजी में आपको मल्टीप्लेयर का सपोर्ट मिलता है। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें कि कैसे हैं इसके ग्राफिक्स और गेम की क्वालिटी कैसी है, तो अगर आप गेम में एंटर करेंगे और गेम के लेवल्स को खेलेंगे तो आपको बेशक जो है पुराने वाले इसके वर्जन से अच्छा लगेगा। जैसे कि शुरू में जैसे आया था तो वो उतना अच्छा नहीं था। अब ये इंडियन कंपनी है तो लोगों ने इसे बोल दिया कि हाँ अच्छा है मोटिवेट करने के लिए, लेकिन वो दिखता है आपको प्ले स्टोर के रेटिंग से कि कितना अच्छा ये गेम था। लेकिन अब जो फौजी ने थोड़ा टाइम लिया और थोड़ा क्या इसको और टाइम लेना चाहिए, इसने बोला था कि 21 जून को हम ला देंगे, लेकिन आज जो है 28 जून या 29 जून हो गया, तो वहाँ पर जो है इसने लाया है। और ये जो गेम है अभी डेथमैच मोड जो है मल्टीप्लेयर मोड जो है वो अभी अर्ली एक्सेस के लिए दिया गया है, यानी कि कुछ ही लोग को बस दिया गया है। आप चाहें तो इसके मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो डेथमैच मोड फौजी ने दिया है वो क्या अच्छा है? तो मैं कहूँगा कि जो पिछले वाले वर्जन जो कि फौजी का था उससे बेशक अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो है इसके ग्राफिक्स। आज भी इसके ग्राफिक्स जो है कार्टूनिश लगते हैं, ओरिजिनल ग्राफिक्स नहीं लगते हैं। भले ही आप अल्ट्रा मोड पे खेलें लेकिन आपको जो फौजी के ग्राफिक्स लगेंगे वो आपको कार्टूनिश लगेंगे। दूसरी बात करें तो यहाँ पर इस गेम में बहुत ज़्यादा आपको इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि लोग सही से शूट नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि आप शूट करते हैं तो हो सकता है कि बगल वाला ही आपको मार दे, तो ऐसे जो है आपको अच्छे जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो इस गेम में अभी देखने को मिलने चाहिए। अभी भी बहुत सारा गेम में प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये शुरुआत में आया था तो लोगों ने, भले ही ये गेम उतना अच्छा नहीं था लेकिन लोगों ने इसको मोटिवेट करने के लिए इसको डाउनलोड किया था और अच्छे अच्छे रेटिंग्स देते थे। लेकिन समय के साथ इसकी रेटिंग्स कम हो गई और अभी फौजी को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे BGMI या जो भी फ्री फायर भी गेम है उससे अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत डाउनग्रेडेड गेम है। मतलब कि वो जो है कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए इसका, क्योंकि उनके कंपैरिजन के लायक ये है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो गेम है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी आप जब इस गेम के मैप को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं इसमें और जो बहुत अच्छे से साउंड इफेक्ट्स हैं तो वो उसमें कमी नहीं है। लेकिन इसके जो ग्राफिक्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। जो उसके कंट्रोल्स हैं, भले ही आपको अब गन दे दिया गया हो लेकिन इसमें जो अभी भी कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। और भले ही ये मल्टीप्लेयर गेम हो गया हो लेकिन जब भी आप खेलेंगे तो अभी आपको ये एक ऑफलाइन गेम ही लगेगा। तो यहाँ पर इसकी कहानी यही है। और जो है अगर एनकोर गेम्स जो कि फौजी को बनाने वाली कंपनी है वो और टाइम ले के इसको बनाती, क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से गेम को बना सके, तो अगर वो जो है और ज़्यादा टाइम लेती तो इससे अच्छा गेम वो बना सकती थी। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो ये मुझे बताइएगा, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इस गेम में करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।